हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल कलाकृति पर। आप सबका और मेरा भी फेवरेट दीपावली का त्योहार आने वाला है। मेरे घर में कुछ ही बेकार प्लास्टिक का सामान पड़ा था। सिर्फ मेरे घर में ही नहीं, आपके घर में भी बेकार प्लास्टिक का सामान पड़ा होगा। उसकी हेल्प से मैंने कुछ ऐसी चीजें बनाई हैं जो मुझे दिवाली पूजा में जरूरत पड़ेगी। ये सब चीजें मैंने बहुत ही आसानी से कम मेहनत में और कम बजट में बनाई हैं। तो अगर आपके घर में भी पुराना प्लास्टिक का सामान पड़ा हुआ है तो ये सब चीजें बना करके दिवाली पूजा की तैयारी कर लीजिए। वीडियो शुरू करते हैं। चौकी बनाने के लिए मैं प्लास्टिक बॉक्स ले रही हूँ जो मेरे घर पे काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है। तो मैं अंदाजे से इससे बड़ा थोड़ा सा कार्डबोर्ड कट कर ले रही हूँ और ये 2 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टियाँ भी कट कर ली हैं इसकी साइड बनाने के लिए। अब इन चारों पट्टियों को मैं सेलो टेप की हेल्प से पेस्ट कर दे रही हूँ। मैं इन पट्टियों और ये कार्डबोर्ड की हेल्प से एक ट्रे जैसा शेप बना रही हूँ। अगर आपके पास ऐसा कोई ढक्कन हो तो आप उसको यूज़ कर लीजिए। मेरे पास एक ढक्कन था तो, बट वो साइज में थोड़ा बड़ा था तो वो मेरे काम का नहीं था, इसलिए मैं कार्डबोर्ड से ही ट्रे जैसा शेप बना ले रही हूँ। तो अच्छे से सेलो टेप लगा करके चारों तरफ और कॉर्नर में इसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से ये ट्रे या एक ढक्कन जैसा शेप बन गया है। अब मैं इस पूरी चीज़ को शादी के एक पुराने कार्ड से कवर कर दे रही हूँ ताकि इसका सरफेस अच्छे से स्मूथ हो जाए और कार्डबोर्ड को कट करने से उसके जो एजेस गंदे लगने लगते हैं वो भी अच्छे से हाइड हो जाए। तो इस शादी के कार्ड को फेविकॉल की हेल्प से अच्छे से पूरे ट्रे पे पेस्ट कर देंगे। तो अब ये ट्रे जैसा शेप बन के रेडी हो गया है। अब मैं एमसील ले रही हूँ और जो प्लास्टिक का बॉक्स था उसके चारों कॉर्नर पर थोड़ा थोड़ा लगा दे रही हूँ। इसके ऊपर मैं ये ट्रे रख दे रही हूँ और इसको अच्छे से पेस्ट कर लेंगे इसके ऊपर एक सपोर्ट रख के। अब जो बॉक्स का नीचे साइड है उसमें मैं रंग की खाली डिब्बियों के ढक्कन यूज़ कर रही हूँ। चारों ढक्कनों को मैं बॉक्स के नीचे साइड में क्ले की हेल्प से फिक्स कर दे रही हूँ। ये चारों ढक्कन चौकी के चारों पायों का काम करेंगे। इसके बाद मैंने एमसील से और क्ले से ये छोटे छोटे कोनिकल पीस निकाल लिए हैं। ऐसे मैंने 4 शेप बना लिए हैं और इन चारों शेप को मैं इन ढक्कनों के नीचे साइड पेस्ट कर दे रही हूँ। तो इस तरह से चौकी का ये मेन स्ट्रक्चर तो बन गया है। अब हम लोग एमसील और क्ले के ड्राई होने का वेट करेंगे थोड़ी देर। ड्राई होने के बाद का प्रोसेस तो आपको पता ही होगा। इसको अपने फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन और फेवरेट डेकोरेटिंग मटेरियल से कलर एंड डेकोरेट कर लेंगे। मैं इस चौकी में डार्क पिंक और येलो कलर का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रही हूँ। ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है साथ में। इसके बाद मैं एक लेस लेके इसका बॉर्डर बना ले रही हूँ। ये लेस मैंने लोकल शॉप से ली थी जो मुझे 10 रुपये पर मीटर मिली थी, जो काफ़ी अफोर्डेबल है। इसके बाद मैंने एक शादी के कार्ड ले लिया है, उसमें ये इस तरह से एक शेप बना हुआ था तो मैंने उसको कट करके निकाल लिया है और मैं इसको बीचों बीच पेस्ट कर दे रही हूँ। चौकी की डेकोरेशन और कलर के लिए आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन और कोई भी डेकोरेटिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास हो। मुझे मिरर से डेकोरेशन करना बहुत पसंद है, तो जब भी मैं कोई फेस्टिव चीज़ बनाती हूँ तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं मिरर का यूज़ करती हूँ। तो इसमें भी मैं थोड़ा सा मिरर यूज़ कर ही ले रही हूँ। इसके बाद वाइट एक्रेलिक पेंट से मैं थोड़ा पैटर्न बना ले रही हूँ। साइडों को भी मैंने मिरर और लेस से डेकोरेट कर लिया है। तो कलरिंग एंड डेकोरेटिंग तो हो गई है। इसके बाद मैं एक कोट इसमें वार्निश लगा दे रही हूँ ताकि इसके कलर हमेशा लॉन्ग लास्टिंग बने रहें। तो इस तरह से बेकार सा एक प्लास्टिक बॉक्स एक सुंदर सी चौकी बनके रेडी हो गया है। देखते हैं इसका फाइनल लुक। मेरे घर पे ये प्लास्टिक का ढक्कन बेकार पड़ा हुआ था तो मैं उससे पूजा की थाल बना रही हूँ, पर ये प्लेन नहीं था तो इसको प्लेन करने के लिए मैंने वाल पुट्टी में थोड़ा सा फेविकॉल और पानी मिला करके गाढ़ा पेस्ट बना लिया है। और इस पेस्ट को मैं ढक्कन के अंदर साइड फैला दे रही हूँ। मैंने ये वाल पुट्टी का पेस्ट इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मेरा ढक्कन प्लेन नहीं था, पर अगर आपका ढक्कन प्लेन हो तो आप वाल पुट्टी मत यूज़ करिए। अब वॉल पुट्टी के लेयर के ड्राई होने के बाद इसको कलर एंड डेकोरेट कर लेंगे। मैंने इस थाल में रेड कलर यूज़ किया है। शादी के कार्ड में कुछ गणेश जी के ऐसे स्टिकर आते हैं तो मैं उसमें से एक छोटा सा स्टिकर बीचों बीच पेस्ट कर दे रही हूँ। इसके बाद मैं वाइट एक्रेलिक कलर से थोड़ा सा पैटर्न बना ले रही हूँ।
मैं इस थाली में मंडाला आर्ट करने वाली हूँ, क्योंकि थाली तो गोल है और गोल चीज़ों में मंडाला आर्ट ज़्यादा अच्छी लगती है और ये करने में भी काफ़ी ईजी होती है। अब कलरिंग का काम कंप्लीट कर लिया है तो इसको डेकोरेट करने के लिए मैं एक लेस ले रही हूँ जो मैंने लोकल शॉप से ली थी सेम प्राइस में। तो इसको मैं फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर दे रही हूँ, एक बॉर्डर जैसा बना ले रही हूँ। ये लेस थोड़ी टाइट थी तो जब तक ये सेट हो रही है तो मैंने इसके ऊपर रंग की डिब्बियाँ रख दी हैं, तब तक ये सपोर्ट का काम करेगी। एक ही लेस को यूज़ करके मैं तीन जगह बॉर्डर बना ले रही हूँ। तो ये मैंने लेस से बॉर्डर बना लिया है। इसके बाद मैं डिफरेंट साइज़ के और शेप के मिरर से इसको डेकोरेट कर ले रही हूँ। इतना होने के बाद मैं थोड़े वाइट कलर के डॉट्स रख के इसको कंप्लीट कर दे रही हूँ। अभी थाली रेडी हो गई है। लास्ट में मैं एक कोट इस पे वार्निश कर दे रही हूँ ताकि इसके कलर कभी भी ख़राब ना हो। तो इस तरह से मैंने एक पुराने से बेकार प्लास्टिक ढक्कन से एक सुंदर सी थाली बना ली है। इस थाली को मैं अपने 5 छोटे DIYs के साथ डेकोरेट कर ले रही हूँ जो मैंने 2 वीक पहले बनाए हुए थे। देखते हैं इसका फाइनल लुक। एक ये छोटा सा प्लास्टिक का ढक्कन ले रही हूँ और मैंने ये ग्रीन ग्लिटर शीट ले ली है। इस ग्लिटर शीट में मैं पेटल का शेप बना ले रही हूँ और इसको मैं कट करके निकाल लूँगी। इस तरह से मैंने और भी पेटल शेप बना लिए हैं। अब मैं इन सभी शेप को ढक्कन के बाहर साइड में पेस्ट करती जा रही हूँ। अगर आपके पास ऐसा कोई प्लास्टिक का ढक्कन नहीं है तो आप मत लीजिए, इसको कार्डबोर्ड से बना लीजिए। पर मेरे यहाँ पर ये ढक्कन बेकार पड़ा हुआ था तो मैं इसको यूज़ कर ले रही हूँ। आप इस ग्लिटर शीट को पेस्ट करने के लिए 2-sided टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने पिंक कलर के ग्लिटर शीट से भी सेम ऐसे पेटल्स के शेप कट करके निकाल लिए हैं और मैं नीचे साइड सेलो टेप लगा करके इसको ऐसा शेप दे रही हूँ। सभी पेटल्स में मैंने ऐसा शेप दे दिया है और इन पेटल्स को मैं ग्रीन कलर के पेटल्स के ऊपर पेस्ट कर दे रही हूँ। इस दिया होल्डर को मैं कमल के फूल का शेप दे रही हूँ, इसलिए मैं इस तरह से पेटल्स इसमें लगा रही हूँ। आप लोगों ने कमल का फूल तो देखा होगा, उसमें एक बड़ा सा ग्रीन कलर का पत्ता होता है, उसके बाद पिंक कलर का कमल का फूल होता है और फूल के बीच में येलो कलर का कुछ बना रहता है। वही तीनों कलर का कॉम्बिनेशन फॉलो करते हुए मैंने ये सबसे ऊपर ऑरेंज कलर की ग्लिटर शीट पेस्ट कर दी है। तो देखिए कितनी आसानी से सुंदर सा दिया होल्डर रेडी हो गया है। देखते हैं इसका फाइनल लुक। मैंने ये सब चीज़ें बना करके अपनी दिवाली पूजा की तैयारी पूरी कर ली है। आप भी ये सब चीज़ें बना करके अपनी दिवाली पूजा की तैयारी कर लीजिए। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली।